वीडियो बना देंगे। मानवाधिकार 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। पूरे विश्व में मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र महासभा में 10 दिसंबर को इसको 1948 में स्वीकृति दी गई थी कि यह पूरे विश्व में मनाया जाए। मानवाधिकार में होता क्या है, हम लोगों को बिना किसी भेदभाव रंग जात किसी भी कारण से ये नहीं कि अदब रखा जाए। मानवाधिकार सबके लिए समान होते हैं। मानवाधिकार समान होने के कारण हम आजादी में जी सकते हैं, रह सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। इसमें हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का भी अधिकार दिया गया है, समान का भी अधिकार दिया गया है, अधिकार करने का भी अधिकार दिया गया है। इसमें काफी अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं। कहीं कहीं देखा जाता है कि हमारे अधिकार का हनन भी हो रहा है, इसका उल्लंघन भी कुछ लोग कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग शिक्षित नहीं है उन लोगों को, जहाँ पे ज्यादा गरीबी है या जो लोग शिक्षित नहीं है जिनको शिक्षा का अधिकार या शिक्षा प्राप्त हो रही है, वो लोग इसका हनन भी करते हैं और उल्लंघन भी किया जाता है मानव अधिकार का। मानव अधिकार जागरूकता के लिए सरकार ने संस्था चलाई है और काफी पार्कों में या शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रोग्राम कराए जाते हैं। आज के दिन और हमारे कॉलेज में प्रोग्राम कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को मानव अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या है मानवता के अधिकार, क्या है मानवता के अधिकार, ये सबको बताए चले, जागरूकता की अलग सबके मन में जगाए चले, जागरूकता की अलग सबके मन में जगाए चले। राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सभी अधिकारों का ज्ञान सबको समझाते चले, बताते चले। और हम इसी के साथ आप मैंने काफी मुझे मैम ने कल बताया था, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे काफी तैयारी भी की है। तो इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। अंत में मैं दो पंक्ति बोलना चाहती हूँ। अगर माटी के पुतले दे हमें ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले दे हमें ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। पूजा नहीं जाता।